तो ये देखिए बारिश का सीजन चल रहा है और आज की ऐसी शानदार रेसिपी हम लेके आए हैं एकदम नए स्टाइल में, सर कि सबके मुंह में पानी आ जाएगा यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्टार्ट करें ना यहाँ। यस, ये आलू है बॉइल्ड पोटैटोस, इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। ये हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा अमचूर पाउडर, ओके, ये सौंफ है दरदरी पीसी हुई, ओके, काली मिर्च पाउडर, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी, अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, नॉर्मल सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू का मसाला चल रहा है। बेसिकली देखिए इसमें सौंफ और अमचूर पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ऑप्शनल है, काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, मिर्ची, हल्दी आप सब कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे और ये मिर्च है, ये लंबी मिर्च हमने ली है, ये लंबी मिर्च है, इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे। ओके, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मामिया अग्रवाल के संग आपको दिखाने के लिए ये जबरदस्त रेसिपी। यहाँ पर मिर्ची बड़े की, पर ये सिंपल मिर्ची बड़ा नहीं है, इसमें क्या ट्विस्ट है अभी हम आपको दिखाते हैं। जोधपुर का बहुत फेमस है पायल जी, यस, जोधपुर राजस्थान में मिर्ची बड़ा बहुत फेमस होता है। अब ये जो हमने बनाया था आलू, अब इसके अंदर मैं ये भर लूंगी। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर भरेंगे। तो ये देखिए आलू भरना है, स्टफिंग करेंगे। अब इसको हम बाहर से भी लपेटेंगे ऐसे। हाँ। ये वड़ा बना रहे हैं हम एक तरीके का। हाँ, ये वड़ा हो जाएगा। तो ये कोटिंग ना नॉर्मली नहीं करते, नॉर्मली क्या करते हैं ना कि आप सिर्फ ये करते हैं अंदर भर देते हैं, पर बाहर से भी भरते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है मिर्ची बड़े का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका भी मन कर रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिए इसका। तो देखिए एक बार आप दिखाएंगे कैसा दिख रहा है। ये देखिए बाहर से अब पता ही नहीं चलेगा कि ये मिर्ची वड़ा है, ये वड़ा भी हो जाएगा। इट्स अ वड़ा प्लस मिर्ची वड़ा का कॉम्बिनेशन। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है बेसन, बेसन में हम थोड़े मसाले डालेंगे, थोड़ा हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें अजवाइन डालेंगे हम। अजवाइन देने के कारण से बेसन की किसी भी चीज में ना अजवाइन डालना इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेस्ट करने में आपके हेल्प करती है। और ये राइस फ्लावर है, चावल का आटा, ताकि हमारा ये क्रिस्पी बने। अब इसको हम घोल लेंगे, इसका घोल बनाएंगे। तब तक नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आलू वड़ा, यस, एंड प्लस जो वड़ा पाव में वड़ा बनता है प्लस और मिर्ची वड़ा, राइट, यस, है ना। तो दो टू इन वन का टेस्ट आएगा, आलू वड़ा और मिर्ची वड़े का टेस्ट आपको, क्योंकि देखिए बेसन आलू और बेसन से बनता है वड़ा और मिर्ची वड़ा बनता है मिर्ची और आलू की स्टफिंग अंदर डाल के और बेसन के घोल में। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारा एक बैटर नेहा बना रही है, ये इसका थोड़ा थिक बैटर होता है, मतलब अच्छा। बहुत पतला नहीं, जैसे वड़ा पाव में थिक कंसिस्टेंसी का होता है ना वैसा। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा थिक बैटर हम यहाँ पर बनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। इस पे हम कोटिंग करेंगे। और ये देखिए ये तरीका है कोटिंग करने में, हमने आपको एक का ही बताया, पर आप थोड़ा ज्यादा बैटर बनाइएगा और गाढ़ा होता है तो चम्मच से हमेशा हेल्प मिलती है। Yes, ये देखिए। तो ये टू इन वन की रेसिपी दिखाई है, लाइट सॉल्ट कोटिंग इनसाइड मिर्ची चारू जी, दैट्स रियली नाइस। मॉम्स ना इनोवेशन करती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बैटर को ना आप खाली ग्लास में भी डाल दोगे और ऐसे डिप करोगे तो और अच्छी कोटिंग हो जाएगी। अगर आपका भी मन कर रहा है खाने का तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये देखिए मिर्ची बड़ा यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया है और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। आप गर्मा गर्म जाके खाते ना, देखिए कितना अच्छा सिकता है और गर्मा गर्म सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाए, राइट निया, ये हमारा हो गया। यस, ये अब हम इसको निकाल लेंगे और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना ये मिर्ची बड़ा, मजा आ जाएगा। अभी हम एक इसमें निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पर देखिए क्रिस्पी एकदम स्लो से मीडियम फ्लेम पे हमने सेका है, इसलिए इसको मैं एक स्पून के सपोर्ट से निकाल रही हूँ, गिर नहीं जाएगा। हाँ हाँ, और ये इसको हम निकाल लिया, कोटिंग हम आपको दिखा देते हैं और इसको ये देखिए कितना क्रिस्पी है।
और ये देखिए गर्मा गर्म सर्व करिए ये वड़ा और मिर्ची वड़ा रेडी है। थैंक यू सो मच नेहा, आप बहुत अच्छी रेसिपी आपने 2-in-1 हमें दिखाई। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आलू वड़ा, वड़ा पाव वाला आलू वड़ा प्लस मिर्ची वड़ा का, तो वीडियो देखिए, मिलेंगे दोबारा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन।